हो गया। नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के छतरपुर में पहुंच चुके हैं और कल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तत्वावधान में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है। और जिस प्रकार से कुछ ही दिनों पूर्व सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो जाटा बहिरवा समाज के घर पहुंचते हैं और शादी में जो कट्टा लहराकर ये धमकी देने का काम करते हैं कि शादी में यदि किसी के गाने बजाना है तो सिर्फ बागेश्वर धाम के गाने बजेंगे। इसको लेकर जो है विवाद खड़ा हुआ था, बाद में FIR दर्ज हुई। FIR के बाद उन्हें अरेस्ट भी किया गया, लेकिन हाल ही में उनको जमानत मिल गई। इसके विरोध में जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद कल छतरपुर पहुंचेंगे। हमारी बहुजन मीडिया की तमाम टीम, निरंजन सिंह, विशाल कुमार और तमाम साथी पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं मेला ग्राउंड में हूं, जहां पर ये प्रोग्राम होने वाला है। और आप देख सकते हैं मंच जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और नीचे की तरफ जो है बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, जिसको हम बी सेक्शन भी बोलते हैं ज्यादातर जब सभाएं होती हैं। और पूरा जो है प्रोग्राम तैयार हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता जो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंजुल आजाद है, भीम आर्मी से जिला महासचिव हूँ। अंजुल आजाद जी, क्या कुछ तैयारियां हो, क्या उम्मीद है कल कितनी भीड़ पहुंचेगी? तैयारियां हम 3 दिन से बराबर कर रहे हैं और तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और भीड़ हजारों से लाखों की संख्या में होगी और लगभग छतरपुर पूरी तरह जाम होगा। देखिए, तो कार्यकर्ताओं में जोश है और उनका कहना है कि छतरपुर जो है कल जाम होने वाला। कुछ और साथी उनसे बात करें। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम वीरेंद्र श्री और ग्राम छतरपुर, जिला छतरपुर है। जी जी। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जोरों से भीड़ लगेगी और जोरों से पूरी ताकत लगाएंगे, कल जाम लग जाएगा छतरपुर अंदर। और भीम आर्मी और बागेश्वर धाम के भाई के बारे में बातचीत चलेगी कल। जिस तरह से बागेश्वर धाम के भाई का वीडियो वायरल हुआ, गिरफ्तारी हुई, लेकिन हाल की उसको छोड़ दिया गया। तमाम फोटो जो है बागेश्वर धाम के वायरल होते हैं, जिसमें कभी कमलनाथ उनके चरणों में नजर आते हैं तो कभी शिवराज सिंह चौहान उनके कदमों में नजर आते हैं। यही कारण है कहीं ना कहीं ऐसे ढोंगी बाबाओं पर, ऐसे पाखंडी बाबाओं पर जो है कार्रवाई नहीं हो पाती है। उसको लेकर कल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता और जो ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो इंसाफ चाहते हैं ऐसे केसों में, उसको लेकर जो है विशाल प्रदर्शन होने वाला। कुछ और साथी हमारे साथ हैं जो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए। क्या नाम हुआ भैया? मलका नहरवाल जी। मलका नहरवाल जी, किस तरह से तैयारियां और कितनी उम्मीद है, कितने लोग पहुंचेंगे? सर, उम्मीद तो 3 लाखों में लोग होंगे, पंडाल अंदर भी बाहर भी और छतरपुर भी इतना होगा कि जाम रहेगा कल। देखिए, तो कार्यकर्ताओं का जो कहना है कि छतरपुर जो है कल जाम कर देंगे। और ये तमाम मैं आपको पांडाल बता रहा हूँ, पता एक बार नोट कर लीजिए, छतरपुर मेरा ग्राउंड आपको पहुँचना है। आसपास के जितने क्षेत्र से ज़्यादा संख्या में आइए और पाखंडी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को जो है जवाब देने का काम करें और यहाँ की पुलिस प्रशासन को ये बताएं कि इंसाफ के लिए अगर हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ा, संसद से लेकर सड़क तक जो है हमारे लोग लड़ने का काम करेंगे। इस वक्त आप मुझे सीधा लाइव देख रहे हैं छतरपुर मेला ग्राउंड से और कल पूरा कवरेज आपको सोनू ब्लॉग, बी मिशन यूट्यूब चैनल और बहुजन साथी, तमाम जो बहुजन मीडिया के चैनल हैं उस पर लाइव देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड वीडियो देखने को मिलेगा। तो सभी साथी तमाम हमारे जो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज है, उनको फॉलो करें और आपको जो है पल पल की अपडेट जो है कल की प्रोग्राम की मिलने वाली है। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।